नमस्कार, चलिए आप सभी को एक कहानी सुनाते हैं, पर कहानी से पहले आपको उसके किरदारों से मिलवाते हैं। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है, जगह कानपुर, किरदार मैं, अम्मा और मेरा टूटता सा अस्तित्व। मैं एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में चाय की प्याली लिए ढलते सूरज को निहार रही हूँ, जब पायल की आवाज़ से मैंने ये भांप लिया कि अम्मा छत की तरफ आ रही हैं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा और पूछा, बेटा कितना पढ़ती है, कुछ खाना है? अब उन्हें कौन बताए कि पढ़ना तो बस एक बहाना है। किताब की सिलवटों के पीछे तो उपन्यास के पन्ने पलटे जा रहे थे। बस दो ही पल के अंतराल उन्होंने खाने की एक ऐसी सूची थमाई कि मैं बताने बैठूं तो रात हो जाए। खैर, मैंने उनका हाथ पकड़ा, सर ना में हिलाया और उन्हें अपने पास बिठाया। ढलते सूरज की वो मध्यम किरणें उनकी आंखों के चमक के सामने फीकी थी। तब उन्होंने मुस्कुराकर और थोड़ा हिचकिचाकर कुछ कहा, जो मैं सोचती हूँ कि अगर ना कहा होता तो कितना अच्छा होता। मामी गर्भ से हैं, वो धीरे से फुसफुसाई, और मैं ये समझ नहीं पाई कि इसमें इतना छुपाने जैसा क्या था। फिर उन्होंने कुछ कहा जो मैं चाहती थी ना सुनना। क्या लगता है तुम्हें बाबू, क्या होगा? बहुत से सवाल उठते थे उस रात मेरे मन में, पर मैं कुछ बोल ना पाई। बस इतना कह पाई, अम्मा क्या ये इतना ज़रूरी है? उन्होंने भी बड़े रौब से कहा, तो ज़रूरी नहीं, दूसरी बेटी नहीं चाहिए ना? छी छी छी, तीन बार गर्भ गिराना कम तो नहीं होता, और कितनी बार करेंगे? वो कुछ पल ठहरी और बोली, तुम्हारी मम्मी को भी तो दो बार गर्भ गिराना पड़ा था। उस पल लगा जैसे दुनिया थम सी गई थी, आसपास हवा कम हो गई थी, सांस लेने में मुझे दिक्कत होने लगी थी, आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। बहुत से सवाल उठते थे उस वक्त मेरे मन में, पर सिर्फ इतना याद आ रहा था कि भाई जब भी मेरे खिलौने तोड़ दिया करता था और मैं सत्ती सी आवाज़ से भगवान से बस इतना पूछती थी कि क्यों आप मेरी नहीं सुनते, क्यों आपने मुझे एक बहन नहीं दी। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने तो मेरी सुन ली थी, मगर वक्त को ही ये मंजूर न था। आँखों के कोनों से आंसू पोंछकर मैं बस इतना कह पाई, बेटा होगा अम्मा, मैं दुआ करूँगी।